हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो गाइज आज तारीख हो चुकी है 18 सितंबर 2021 और हर रोज़ की तरह हमारे सामने आज भी आईपीएल 2021 के रिगार्डिंग, जिसमें अब बस 24 घंटे से भी कम का वक्त ऑलमोस्ट बाकी रह गया है। तो इसी चीज़ के रिगार्डिंग और आईपीएल की सभी फ्रेंचाइज के रिगार्डिंग आज काफ़ी बड़ी और इंपॉर्टेंट अपडेट्स निकल कर आई हैं, जो कि अगर आप लोग क्रिकेट और आईपीएल के बड़े फैंस हैं तो फिर आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। लेकिन गाइज इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, हमेशा की तरह मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को आप देखना बिल्कुल लास्ट तक। उसके साथ ही अगर आप लोग इस चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को जरूर कीजिए सब्सक्राइब और आप उस नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हमारी वीडियोस की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो गाइज बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे आज के दिन की सबसे पहली अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। और ये अपडेट निकल कर आ रही है विराट कोहली की तरफ से, जहां पर हमने आपको बता दिया था कि किस तरीके से विराट कोहली ने कैप्टनसी को अलविदा कहने का डिसीजन लिया था। T20 वर्ल्ड कप जो होगा उसमें विराट कोहली T20 की भारतीय टीम की आखिरी बार कप्तानी करते हुए आपको नजर आएंगे। और इस डिसीजन के बाद विराट कोहली, क्योंकि वो यूएई में पहुंच चुके हैं तो उनका क्वारंटीन भी कंप्लीट हो गया, उसके बाद वो हमें पहली बार फील्ड के ऊपर नजर आए और विराट ने अपना पहला नेट प्रैक्टिस सेशन भी स्टार्ट कर दिया। यानी कि सिर्फ 2 ही दिन का टाइम उनको मिलेगा, उसके बाद डायरेक्टली कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के साथ मैच ही होना है। आगे बढ़ते हैं गाइज और बात करते हैं हमारे आज के दिन की दूसरी बड़ी अपडेट के बारे में, जो कि निकल कर आती है मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स की टीमों के बीच में, जहां पर फाइनली हमें कल से आईपीएल 2021 वापस से रेज्यूम होता हुआ नजर आ जाएगा। एमआई और सीएसके की टीमें आपको दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भिड़ते हुए नजर आएंगी। मुंबई इंडियंस की टीम की बात की जाए तो करेंटली नंबर 4 पर ये टीम चल रही है और चेन्नई सुपर किंग्स की टीम की बात की जाए तो ये सेकंड पोजीशन पर चल रहे हैं। अगर हम बात करें दुबई की पिच की तो बारिश की कोई भी संभावना नजर नहीं आ रही है और काफ़ी ज़्यादा हॉट और ह्यूमिड टेम्परेचर होने की उम्मीद है। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग बताइए इस मुकाबले में आप लोग कौन सी टीम को सपोर्ट करने वाले हो, या फिर किसी को भी नहीं तो की फेवरेट टीम कौन सी है। आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं हमारे आज के दिन की तीसरी बड़ी अपडेट के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा माई 11 सर्कल एप्लीकेशन के बारे में, जिसके ऊपर आप लोग सौरभ गांगुली, वीवीएस लक्ष्मण, अजिंक्य रहाणे, राशिद खान जैसे प्लेयर्स के साथ हेड टू हेड मैचेस खेलकर अपनी टीम बनाकर हजारों लाखों रुपए जीतने का चांस पा सकते हैं। अब इसमें एक ऐसा रिकॉर्ड तोड़ ऑफर आ चुका है जो कि और किसी भी एप्लीकेशन में आपको देखने को नहीं मिलेगा, और यह है फर्स्ट प्राइज 5 करोड़ रुपए का। इसके साथ ही 5 करोड़ रुपए तो आपको मिलेंगे जो एक बंदा फर्स्ट प्राइज जीतेगा। अगर आप लोग इसके साथ राशिद और लक्ष्मण की टीम को बीट करते हैं तो आपको 5 गुना ज्यादा कैश मिल सकता है। इसके साथ ही हमेशा की तरह आपको साइन अप करते ही 1500 रुपए का वेलकम बोनस तो मिल ही जाएगा। और अगर आप लोग हमारे सब्सक्राइबर हैं और हमारे डिस्क्रिप्शन या पिन कमेंट से इसको डाउनलोड करते हैं तो आपको 20% का एक्स्ट्रा कैशबैक भी मिलेगा आपके फर्स्ट डिपॉजिट पर। तो आप देर किस बात की कर रहे हैं, स्क्रीन पर दिखाए गए विनर्स की तरह आप भी हजारों लाखों रुपए जीतने का मौका पाइए। लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है, कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। तीसरी अपडेट निकल कर आती है आईपीएल में सीपीएल प्लेयर्स को लेकर, जहां हमने आपको बताया था कि सीपीएल के प्लेयर्स सीधे सीपीएल के खत्म होते यूएई में लैंड करेंगे और सीपीएल के प्लेयर्स कुछ जो कि कल आ चुके थे, और अब जो बाकी के सीपीएल के प्लेयर्स हैं वो भी यूएई पहुंच चुके हैं, जिसमें अगर हम कुछ मेजर प्लेयर्स की बात करें तो पंजाब किंग्स की टीम में हमें जुड़ते हुए नजर आए क्रिस गेल और उनके साथ ही निकोलस पूरन, और उनके साथ ही मुंबई इंडियंस की टीम में कायरन पोलार्ड भी जुड़ चुके हैं। तो अब अगर आप लोग सोच रहे हैं कि क्या ये कुछ मैचेस को मिस करेंगे तो फिर हमें ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलने वाला, क्योंकि हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि सीपीएल से आने वाले प्लेयर्स को रिलैक्सेशन दिया जाएगा, उनको किसी भी तरीके के बायोसिक्योर बबल में रहने की कोई भी जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं गाइज और बात करते हैं हमारे आज के दिन की चौथी बड़ी अपडेट के बारे में, जो कि एक बहुत बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी वाला दिन हमें कल देखने को मिला था, और ये दिन था पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच में चल रही सीरीज के रिगार्डिंग, जहां पर जो हमें सीरीज देखने को मिलने वाली थी उसके टॉस के करीब 1 घंटे पहले न्यूजीलैंड की टीम जो कि पाकिस्तान में जा चुकी थी, उन्होंने टॉस के 1 घंटा पहले सिक्योरिटी थ्रेट्स को मद्देनजर रखते हुए सीरीज से ही पुल आउट कर लिया। यानी कि ऐसा भी नहीं था कि वो वहाँ गए नहीं, वो वहाँ गए भी और टॉस के ठीक पहले वहाँ से चले गए। खैर इसका मेजर रीज़न तो जो भी हो, लेकिन इसके बाद एक और चीज़ हुई कि इंग्लैंड ने भी सिक्योरिटी थ्रेट्स को मद्देनजर रखते हुए अपने प्लेयर्स को पाकिस्तान भेजने से इनकार कर दिया, और जिसका सीधा सीधा मतलब है कि आईपीएल में जो भी प्लेयर्स हैं इंग्लैंड के वो अब पूरा लास्ट तक अवेलेबल रहेंगे। तो जैसा कि हमने आपको पहले भी इन्फॉर्मेशन दी थी कि अगर ये पाकिस्तान वाली सीरीज होती है तो फिर इंग्लैंड के प्लेयर्स जाने वाले थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तो आईपीएल के रिगार्डिंग तो ये अच्छी खबर है, लेकिन क्रिकेट के लिहाज से एक ऐसी खबर है, ये लोग आप ही कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं हमारे आज के दिन की पांचवी बड़ी अपडेट के बारे में, जो कि निकल कर आती है केविन पीटरसन की तरफ से, जहां पर पीटरसन ने एक बड़ी स्टेटमेंट दी है आईपीएल 2021 के रिगार्डिंग, जहां पर पीटरसन ने कहा है कि चेन्नई सुपर किंग्स की टीम बहुत बड़ी कंटेंडर है इस बार आईपीएल के टाइटल को जीतने
के लिए। उन्होंने बताया कि CSK की टीम सेकेंड हाफ में हमेशा ही डोमिनेट करती है और इस बार फर्स्ट हाफ भी उनका काफ़ी ज़्यादा अच्छा गया है, तो ऐसे में MST काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होंगे UAE में लास्ट बार जो CSK की टीम ने खराब परफॉर्म किया था उससे रिकवर होने के लिए। और CSK की टीम उनके हिसाब से इस बार IPL का टाइटल जीतने के सबसे बड़े कंटेंडर्स में से एक है। हालांकि पीटरसन का स्टेटमेंट इसीलिए भी और ज़्यादा खास हो जाता है क्योंकि जब IPL इस बार स्टार्ट हुआ था तो पीटरसन ही थे जिन्होंने कहा था कि CSK की टीम पॉइंट टेबल में लास्ट पर रहेगी। तो अब पीटरसन को CSK और MS धोनी ने अपने परफॉर्मेंस से उनका ओपिनियन चेंज करने पर मजबूर कर दिया। आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं हमारे आज के दिन की छठी बड़ी अपडेट के बारे में, जो कि निकल कर आती है राशिद खान की तरफ से, जहां पर राशिद खान ने सनराइजर्स हैदराबाद की प्लानिंग और उनके टीम के ड्रेसिंग रूम के एनवायरमेंट के बारे में बताया है। क्योंकि SRH ही शायद एक ऐसी टीम है जिनके ऑलमोस्ट सारे ही चांसेस खत्म हो चुके हैं प्लेऑफ्स में जाने के। अगर ये बचे हुए मैचेस में से एक भी मैच हारते हैं तो फिर SRH की टीम सीधे आपको प्लेऑफ से बाहर होते हुए नजर आएगी। तो ऐसे में 7 मैचेस इन अ रो जीतना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल नजर आता है। लेकिन राशिद खान ने बताया कि SRH की टीम काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है और वो UAE में जाकर अपनी क्रिकेट को एंजॉय करना चाहते हैं। इस मोमेंट पर ऑब्वियसली वो ये नहीं सोच रहे कि उन्हें 7 मैचेस जीतने हैं, वो सिर्फ वहाँ जाकर अपने क्रिकेट को एंजॉय करना चाहते हैं और अपना बेस्ट देना चाहते हैं। तो यही शायद SRH की टीम की स्ट्रैटेजी भी रहेगी, क्योंकि अगर आप ज़्यादा ही सोचेंगे कि आपको 7 मैचेस जीतने हैं 7 में से, तो फिर वो मेंटल प्रेशर वैसे ही आपको उतना अच्छा परफॉर्म करने नहीं देगा। तो राशिद ने बताया है SRH की टीम वहाँ पर इस तरीके के मेंटेलिटी के साथ जाने वाली है। आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं हमारे आज के दिन की 7वीं बड़ी अपडेट के बारे में, जो कि विराट कोहली के कैप्टनसी छोड़ने को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। और ये अपडेट है क्रिकबस की तरफ से, तो ऑब्वियसली अपडेट सही और ऑथेंटिक ही है, जहाँ पर बताया जा रहा है कि जो भारत और इंग्लैंड के बीच में साल की स्टार्टिंग में हमें ODI सीरीज़ देखने को मिली थी, उस ODI सीरीज़ में विराट कोहली चाहते थे कि शिखर धवन को टीम में मेंटेन रखा जाए, क्योंकि विराट के हिसाब से वो ODI क्रिकेट में भारतीय टीम के लिए बहुत अच्छे प्लेयर हैं, भले ही T20 में उतने अच्छे ना रहे हों। लेकिन जो सेलेक्टर्स थे वो चाहते थे कि शिखर धवन को अब टीम से हमेशा के लिए बाहर कर दिया जाए और विजय हजारे ट्रॉफी में सबसे ज़्यादा रन स्कोर करने वाले पृथ्वी शॉ को लिमिटेड ओवर्स का परमानेंट ओपनर बनाया जाए। तो वहाँ से विराट और सेलेक्टर्स के बीच में थोड़ी सी रिफ्ट हुई थी, जिसको एक और कारण बताया जा रहा है कि क्यों विराट कोहली ने अपने इस डिपार्टमेंट से कैप्टनसी छोड़ दी। कमेंट करके आप लोग बताइए कि आप लोगों के हिसाब से विराट कोहली इस मामले में सही थे या फिर सेलेक्टर्स। आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं हमारे आज के दिन की 8वीं और आखिरी अपडेट के बारे में, जो कि निकल कर आती है टाइमल मिल्स की तरफ से, जो कि एक फास्ट बॉलर हैं। आप लोग जानते भी होंगे कि टाइमल मिल्स ने पहले भी भारत के खिलाफ भी खेल चुके हैं। तो इन्होंने एक बताई है बात IPL के रिगार्डिंग कि 4 से 5 IPL टीमें इनको एज अ रिप्लेसमेंट अपनी टीम में पिक करना चाहती थी, लेकिन टाइमल मिल्स क्योंकि अभी करेंटली इंजरी में हैं और इस इंजरी की वजह के साथ साथ ही इन्होंने जो IPL की नीलामी हुई थी उसमें भी अपना नाम नहीं दिया था, जिसकी वजह से ये IPL में चाहते हुए भी एज अ रिप्लेसमेंट नहीं आ पाए और वो 4-5 टीमें जो इनको लेना चाहती थी उनको भी इनको लेने की परमिशन नहीं दी गई। तो गाइस ये वीडियो ही तक थी, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दिए गए लिंक से My11 सर्कल को अभी डाउनलोड करके अपनी टीम बनाइए। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।